रिलायंस जियो ने 1 सितंबर को कमर्शियल लॉन्चिंग की थी और वेलकम ऑफर के तहत 31 दिसंबर 2016 तक के लिए मुफ्त सुविधाएं पेश की थी। हालांकि इन सुविधाओं को अब 31 मार्च 2017 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन अब मार्च के बाद पोस्टपेड ग्राहकों को बिल भरना पड़ सकता है। तो आपके पास रिलायंस जियो का प्रीपेड सिम है या पोस्टपेड, ये जानने के लिए हम आपको तरीका बताने वाले हैं। तो यहाँ हम आपको बताएंगे कि किस तरह पता चलेगा कि आपका रिलायंस जियो सिम प्रीपेड है कि पोस्टपेड है। इसके लिए आपके स्मार्टफोन में माई जियो ऐप का होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके पास माई जियो ऐप नहीं है तो उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और माई जियो सर्च करें, इस ऐप को डाउनलोड करें और इंस्टॉल कर लें। इसके बाद इसको आपको ओपन करना होगा ओपन करने के बाद आपको माई जियो सबसे ऊपर जो ऑप्शन आता है उसको ओपन करना होगा। यहाँ आपको साइन इन या साइन अप के लिए पूछा गया, यहाँ आपको स्किप साइन इन करना है, जिसके बाद यहाँ पर आपके अकाउंट की पूरी डिटेल आ जाती है। ये जो डिस्प्ले है इस पर आप पता लगा सकते हैं कि आपका सिम प्रीपेड है कि पोस्टपेड है। अगर यहाँ पर बैलेंस लिखा है तो आपका सिम प्रीपेड होगा, और अगर इस जगह पर लिखा होगा अनबिल्ड अमाउंट तो उसका मतलब है कि आपका सिम पोस्टपेड है। और अगर आपका सिम पोस्टपेड है तो आपको 31 मार्च के बाद बिल देना पड़ सकता है। जनसत्ता.com से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।